अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मायरा बलोच और आप देख रहे हैं आपका अपना शो स्ट्रीट टाइम्स। जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रीट टाइम्स आपको कराची के चप्पे चप्पे पे लेके जाता है, आपको बहुत इंजॉय कराता है, आप लोग को इंजॉयमेंट की जगहों पे ले जा ले जाके मजे मजे की चीजें दिखाता है, आपकी और मेरी नॉलेज में बहुत सारा इजाफा करता है। इसी तरह आज हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में aeroplan.pk की एक और फ्रेंचाइज में। यहाँ पर आप ये तो जानते ही हैं कि aeroplan.pk की 750 प्लस ब्रांचेस ओपन हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती जाऊँ, अगर आप aeroplan.pk का बिजनेस करना चाहते हैं तो aeroplan.pk की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। इसी के साथ साथ aeroplan.pk के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे उनकी टीम आप जानते ही हैं कि कितनी कोऑपरेटिव है, कितना कोऑपरेट करती है, कितने अच्छे से समझाती है। अगर कोई अंगूठा छाप इंसान भी वहाँ चला जाए तो वो उसको इतना परफेक्ट कर देती है कि ऐसा लगता है कि ये बिजनेस वो न जाने कब से कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊं कि आज हम लोग यहाँ पर कस्टमर से बात करेंगे, इनकी टीम यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के ऑनर से बात करेंगे और मजे मजे की बातें जानेंगे। इसी के साथ अपना शो स्टार्ट करते हैं और हाँ, ये मत भूलिएगा, सेहत बख्श पानी सेहतमंद पाकिस्तान। चलें जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज हम आपको जिस आउटलेट पे लेकर आए हैं, इस आउटलेट की आज इनॉग्रेशन है, इसी के साथ रिबन कट हो रहा है और यहाँ की ऑनर है एक लेडीज, और आप देख सकते हैं कि रिबन कटिंग भी एक लेडी कर रही है, इस फैमिली की दादी। चले इसी के साथ बिस्मिल्लाह करते हैं और रिबन कटिंग करते हैं। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को। इसी के साथ आप लोग अपने आउटलेट के अंदर आए, जी नाज़रीन, तो आज हम आपको बिल्कुल ही डिफरेंट शो दिखाने वाले हैं। दिखाएंगे तो हम aeroplan.pk से रिलेटेड ही, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है छोटा सा, और वो ट्विस्ट है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महम बदूल। महम, अच्छा आप मुझे ये बताएं, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक के 21 चैनल की तरफ से, स्ट्रीट टाइम्स की तरफ से और मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत मुबारक कि आप लोग की आज शॉप की इनॉग्रेशन है। मुझे सबसे पहले तो मुझे और हमारे व्यूअर्स को अपनी खुशी बताएं कि इस वक्त आप कैसा फील करिए, बिकॉज एक इंसान एक चीज़ के बारे में सोचता है और जब वो चीज़ सर अंजाम देती है तो उसकी कुछ फीलिंग्स होती हैं, कोई खुशी होती है, तो वो हमसे ज़रा आप शेयर करें। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारे इनॉग्रेशन है और काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे इस वक्त का, इस लम्हे का, और काफ़ी मेहनत लगी है इस यहाँ तक आने में, तो माशाल्लाह खुशी तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह से आप लोग के यहाँ पे काफ़ी रौनकें लगी हुई हैं, फुल बलून्स वगैरह से सजाया हुआ है, आप लोगों ने काफ़ी साफ सुथराई का भी ख्याल रखा हुआ है, अच्छी से प्लांट को रखा हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये बहुत ही हम सबके लिए, मेरे लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत डिफरेंट बात है। हम aeroplan की तो बहुत सारी aeroplan.pk की डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स पे जाते हैं, लेकिन इट्स अ फर्स्ट टाइम कि हम एक ऐसे प्लान की फ्रेंचाइज पे खड़े हुए हैं जहाँ पर ऑनर जो है वो एक लेडी है। ये बहुत ऑनर की बात है सबके लिए, और क्या कहते हैं, ये बहुत प्राउड की बात है कि एक लेडी एक बिजनेस को चला रही हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में ये ख्याल आया कैसे, आप मतलब है पढ़ती हैं, क्या करती हैं, आपने अचानक से ये बिजनेस के बारे में क्यों सोचा? ये कहानी आज की नहीं है, बचपन से ही है। हमेशा से मुझे मेरा बिजनेस माइंड ही था, और मैंने जो एजुकेशन मेरी बैचलर्स मैंने किया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, और उसके बाद मेरा इरादा हमेशा से बिज़नेस स्टार्ट करने का ही था, जॉब की तरफ कभी इतना कोई ख़ास मैंने सोचा नहीं। और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे बस यही था कि मैंने किसी तरह अपना बिज़नेस शुरू करना है, और बस उसी तलाश में मैं आज यहाँ पे पहुँचूँ। और यहाँ तक आने में मेरे वालदैन मेरे साथ हमेशा रहे, हर कदम हर सांस के साथ मेरे साथ रहे, और माशाल्लाह उन्होंने मुझे कभी मेरा किसी कदम पर हाथ नहीं छोड़ा, मेरा हमेशा हौसला अफजाई की है और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने यहाँ की ऑनर महम से बात की है, इनके साथ साथ ही इनके भाई इनके साथ होते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं इनका सफर यहाँ तक का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद, अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप लोगों की आज इनॉग्रेशन है हम लोग सब लोग की तरफ से। इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि आपकी बहन ने अभी हमसे काफ़ी सारी बातें की, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं, कुछ डिटेल्स हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने
अपनी बहन का इस चीज में, इस काम में कितना साथ दिया वो, मतलब जब ये आइडिया आपके पास लेके आई तो आपने नहीं कहा कि नहीं कोई और बिजनेस करते हैं कुछ, aeroplan.pk का ही क्यों? ये बेसिकली मेरा भी आइडिया यही था करने का, और मैं काफी टाइम से सोच रहा था तक साल डेढ़ साल तक, फिर मैं खामोश हो गया, फिर कुछ मसले हुए थे इस वजह से, तो फिर ये जो है एक साल से पीछे लग गई थी, इसने कहा कि नहीं करना है, चलो करते हैं। अच्छा, तो ये आप इससे पहले क्या करते थे? पढ़ाई चल रही थी मेरी, यूनिवर्सिटी चल रही थी, बीकॉम वगैरह। अच्छा, मतलब अमूमन लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सोचते हैं कि जॉब करेंगे और फिर वो जॉब की तरफ आते हैं, आप डायरेक्टली बिजनेस की तरफ आए? मेरा माइंड ही बिजनेस का है, मैं जॉब का था नहीं, मैं करी थी लेकिन फिर मैं दो तीन महीने बाद फिर वापस छोड़ दी, मतलब वो मजा नहीं आया, बिजनेस वाली ही बात रही। मैं बीच में पहले मैंने कार सेल परचेजिंग का काम शुरू किया था, वो चल रहा है अभी भी। जी हाँ नाज़रीन, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं साद और माहम की मॉम, अब हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? इरफाना फारूक नाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो हम सबकी तरफ से। अच्छा, आप लोग, आपके माशाल्लाह दोनों बच्चों ने बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हम लोग को, और ये बहुत हमारे लिए भी ऑनर की बात है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा कि आपकी बेटी माशाल्लाह, बेटा तो चला ही रहा है, साथ साथ आपकी बेटी भी जो है वो यही प्लांट चला रही है। हम लोगों ने ये आज डिफरेंट चीज़ देखी है, हम लोग बड़े प्लांट्स पर जाते हैं आरओ प्लांट्स के इनाग्रेशन पर काफ़ी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम किसी इनाग्रेशन पर आए और वहाँ पर कोई लेडी है जो इसको रन कर रही हैं, तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक। दूसरी बात ये कि आप मुझे ये बताएं कि आप भी यहाँ पर होती हैं इनके साथ? मैं इनके साथ थोड़ा टाइम देती हूँ, मैं इनको सुपरविजन देखती हूँ कि आया क्या कर रहे हैं, काम के सही से हो रहा है कि नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इनके मुझे इनको इनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, इसलिए मैं इनके पानी के साथ साथ खाने का भी ख्याल रखती हूँ, खाना पीना लेके लेकिन ये तो होटल का क्या थी। अच्छा, मुझे लगा घर से बना के लाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि आपको मतलब खुशी किस तरह से हो रही है इस वक्त, इतने टाइम से एक काम चल रहा है, अचानक से आज उसने असर अंजाम दिया है, ओपन हो गई है, तो कैसी फीलिंग्स आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है, माशाल्लाह से ये काम कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह ये पानी टेस्ट करवा रही है लोगों को, और जैसे पानी लोगों को पसंद भी आ रहा है, अब इंशाल्लाह इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और जैसे लोग आएंगे तो इनको काउंटर फिलिंग भी देंगे, और मतलब बच्चे बहुत अच्छे चला रहे हैं। ये एक बहुत ऑनर की बात है एक माँ के लिए और हम सबके लिए, सारी खातून के लिए, कि जितनी भी मेहनत से, लगन से वो लड़की काम कर रही है यहाँ पर, इस ब्रांच को रन करेगी, आगे चलाएगी, संभालना एक बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उसने ये फैसला लिया और उसने इस चीज को इतने टाइम से एक ख्वाब में, ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया। अगर आप सब लोग भी इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना चाहते हैं, तो जैसे कि इनकी मदर ने आपको बताया कि अपनी जितनी भी मदर्स हैं वो अपनी बेटियों को इस तरह से सपोर्ट करें, उनको मोटिवेशन दें, ताकि वो इतनी मोटिवेट हो जाएं कि आज वो माहम की तरह इसी तरह खड़े होकर एक बिजनेस रन कर रही हों, तो आप लोग भी माहम की तरह बन सकते हैं। अगर आप लोग भी aeroplan.pk का बिजनेस करना चाहते हैं तो aeroplan.pk की वेबसाइट पर जाइए, तमाम सवालों के जवाब वहाँ पर मौजूद हैं। सेहत बख्श पानी, सेहतमंद पाकिस्तान। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ aeroplan.pk की यहाँ पर टीम मौजूद है और उसी के साथ साथ आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनका नाम तो आपने बहुत बार सुना है लेकिन कभी भी वो हमारे इंटरव्यू में हमारे साथ शामिल नहीं होते, लेकिन आज हमने उनको भी शामिल किया है, चले उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आरिफ शेख नाम। वैसे तो मैं जानती हूँ लेकिन बस व्यूअर्स को बताने के लिए। आरिफ शेख नाम। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो, आप इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका नाम हमारे व्यूअर्स और हम लोग सुनते रहते हैं, और आज ये ब्रांच भी आपकी ही इनॉग्रेशन है, मुझे बताया इन्होंने कि आपने कितने अच्छे से इनको गाइड किया, तो आपकी मेहनत आज रंग ला रही है, तो आपको, आपके सामने इनॉग्रेशन हो रही है, कैसी फीलिंग है आपकी? बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि जब ये लोग आए थे मेरे पास, तो देखें हमारे पास जितने भी लोग आते हैं ना इस बिज़नेस के लिए, उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं होती, सही है, लेकिन हमारी कंपनी ने यूट्यूब पर और फेसबुक पर मुख्तलिफ जगहों पर काफ़ी डिटेल्स में तफसील दी भी है इस बिज़नेस के बारे में, किस तरीके से ये बिज़नेस आप ऑन करेंगे, यानी जगह जगह गाइडलाइन मिलती है। तो जब ये आए, इनका एक प्रेजेंटेशन हमने दी, जो तरीक़ेकार होता है ऑफिस में हमारा, उस प्रेजेंटेशन में मुतमईन हुए,
फिर ये है कि मदर और फादर के साथ ये लोग आए थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई है। यानी कि जो आज जो ये जिस जगह पर मौजूद हैं, और मैंने इनसे रिस्पांस अभी पूछा कि रिस्पांस आपका कैसा है, तो ये कह रहे हैं बहुत अच्छा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। हमारी जो मदद उनके साथ होती है, बोरिंग करवाने से लेकर जगह की तलाश से लेकर वाटरशॉप को डिज़ाइन करने से लेकर और जो मशीन उनके पास लगनी है उसको चलाने की तरबियत देने से लेकर और फिर अपने जो वाटर शॉप के ऊपर पानी है उसको सेल करने से लेकर और एक काबिले कदर मुनाफे के फसूल तक हम उनके साथ होते हैं। और फ्रेंचाइज शॉप का मतलब हमारा ये होता है कि वो शॉप्स जो aruplant.pk के नाम से खुली है, जो शॉप्स aruplant.pk के नाम से नहीं है वो फ्रेंचाइज शॉप नहीं कहलाती। तो जब ब्रांड सपोर्ट साथ में शामिल हो जाती है तो इस वक्त दुनिया में जो हुकूमत है ही ब्रांड्स, तो अगर आपके पास एक अच्छा ब्रांड है तो अच्छे ब्रांड का मतलब मैरी प्रोडक्ट भी होती है, तो लोगों को भी इत्मीनान होता है कि वो किसी ऐसी कंपनी से, किसी ऐसी शॉप से पानी ले रहे हैं जो मैरी पानी फराहम कर रही है, और उनको भी इत्मीनान होता है कि एक मैरी ब्रांड के साथ जब वो अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अच्छा प्रॉफिट भी आ सकता है। मैंने ये सुना है कि आपके साथ साथ और आपकी पूरी फैमिली के साथ ये सारा सिलसिला चला रहा है, मतलब इस आउटलेट पे आपके साथ और कौन कौन होता है? मेरे साथ यहाँ पे भाई मेरे ऑपरेट करते हैं साथ में, और उसके अलावा फादर है मेरे अपने, वो अपने ऑफिस आवर्स के बाद यहाँ पर आके कुछ टाइम हमारे साथ स्पेंड करते हैं, और तकरीबन हमारा जो यहाँ पर वर्किंग आवर्स हैं वो मोर देन 12 आवर्स हैं, ऑलमोस्ट 14-13 आवर्स हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप बिज़नेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि मैंने मेरा स्टार्टिंग से बिज़नेस माइंड था, तो आपने aruplant.pk के बिज़नेस के बारे में ही क्यों सोचा? प्लांट्स भी और भी बहुत सारे हैं, लोकल प्लांट्स भी हैं, दूसरे प्लांट्स भी हैं, बिज़नेस भी मजीद हैं, तो इसी बिज़नेस के बारे में थॉट कहाँ से आई आपने, मतलब किसी इनकी वेबसाइट से देखा या इनके ऑफिस गई, किसी ने बताया क्या? ये बात भी काफ़ी पुरानी है, 3 साल पहले मेरी वर्किंग शुरू हुई थी। aruplant का मैंने ऐड देखा था जिसमें ये अपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का अपने गाइड कर रहे थे, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट हुआ था कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी कोऑपरेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी तक तकरीबन 3 साल पहले मेरे पास ये आइडिया आ गया था कि मुझे ये करना है, लेकिन वो 3 साल को फिज़िकल होने में इतना टाइम लग गया बस, और आज के अलहमदिल्ला आज प्लांट भी है, मैं अपना ऑपरेट भी कर रहा हूँ, इनॉग्रेशन है माशाल्लाह। अच्छा मुझे इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आपने अभी आज इनॉग्रेशन की है इस ब्रांच की, तो इसके साथ साथ आप लोग व्यूअर्स को ये बताएं क्या आप उनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? डिलीवरी भी है और यहाँ से काउंटर से जो कस्टमर्स आते हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है और SOPs वगैरह सब फॉलो की जा रही हैं। हमारी इनॉग्रेशन हुई है aruplant.pk की, तो अभी हमने जो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, फिर बाद में थोड़ी टाइम के बाद जब कस्टमर्स बनने शुरू हो जाएंगे, मार्केटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसको सेल करना शुरू करेंगे। खुशी तो हमें भी बहुत है कि आज आप लोग की मेहनत सबकी रंग लाई है, लेकिन ये बड़ी ऑनर की बात है कि आपने भी मेरे ख्याल से कितनी सारी जो है वो फ्रेंचाइजेज ओपन करवाई हैं आप लोगों ने, तो यहाँ पे ये जो फ्रेंचाइज ओपन हुई है ये एक लड़की रन कर रही है। जी बिल्कुल, माहम है इनका नाम, ये अपनी मदर और फादर के साथ आई थी, और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि पहले इनका जब प्रेजेंटेशन इनको दी, इनका इरादा था वो पहले करने का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि aruplant.pk से ही हमने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो जो हमारी कंपनी है, जो हम सपोर्ट कर सकते थे, मोटिवेशन जो हम दे सकते थे, हर लम्हे पर हमने इनको जो गाइड किया, आपने इंटरव्यू लिया होगा इनका यकीनन, तो आपको इन्होंने बताया होगा, तो बात यह है कि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई पहली खातून नहीं है जो फ्रेंचाइज रन कर रही हैं, हमारे पास कई मिसालें हैं इससे पहले, कई मिसालें जो खातून रन कर रही हैं बिज़नेस को और बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, वही चीज़ मैंने इन्हें बताई थी, गाइड की थी कि आप इस हवाले से बिल्कुल मुतमईन रहें, बेफिक्र रहें, इस बिज़नेस को चलाने के लिए आप ये मत सोचिए कि खातून है तो आप शायद ना कर पाएँ, और ये ख़ुद बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो इसलिए माशाल्लाह आज इनॉग्रेशन भी हो रही है, आप लोग मौजूद भी हैं इधर देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा बेहतर रहा फैसला इनका, और हमें भी खुशी होती है इस हवाले से। हमारे जो ऑफिसेज हैं वो कराची और लाहौर में कायम हैं,
और जो हमारा ब्रांड नेम है arubrand.bk यही हमारी वेबसाइट है। बहुत आसान तरीका है, अब तो हर हाथ में मोबाइल मौजूद है। arubrand.bk विजिट कीजिए, वहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। कॉन्टेक्ट नंबर हम लोग पब्लिक में आम तौर पर इसलिए नहीं बता रहे होते कि फिर ऐसी गैर जरूरी कॉल्स भी वहाँ पर आनी शुरू हो जाती हैं कि जिनमें कोई काम की जो कॉल होती है वो कहीं खो जाती है। नोयत कम जी, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर जो सबसे पहली वीडियो है वो बड़ी डिटेल में आपको इस बिजनेस के शुरू करने के हवाले से एक वीडियो प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आपने अपनी बेटी को इतनी मोटिवेशन दी है कि वो आज यहाँ पर खड़े होके इतने कॉन्फिडेंट से काम कर रही है। एक माँ का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है। तो आप हमारे व्यूअर्स को, जो लोग देख रहे हैं जिनकी बेटियाँ चाहती हैं काम करना लेकिन किसी रीजन के तहत या किसी वजह से काम नहीं कर पाती है, उनको बैक सपोर्ट नहीं मिलता, तो उन माओं के लिए, उन बच्चियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं व्यूअर को जरूर मैसेज देना चाहूंगी। मैं इन पेरेंट्स को कहूंगी जो जिनकी बेटियाँ हैं वो ये बिल्कुल ना सोचें कि लड़कियाँ, लड़कियां कोई काम नहीं कर सकती, लड़कियां हर काम कर सकती हैं। और bk.com को ज्वाइन करें, ये बहुत आपको सपोर्ट करेंगे। इन्होंने बहुत एप्रिशिएशन दिए हमारी बच्ची को। आप जो है इनके ऑफिस गई हैं विजिट करने, इससे रिलेटेड जब आपने कमर्शियल इनका देखा, तो इनके ऑफिस स्टाफ ने आपको कितना कोऑपरेट किया? बहुत कोऑपरेट किया माशा से। आरिफ साहब होते हैं, आरिफ शेख साहब, उन्होंने मुझे बहुत, मुझे उन्होंने भी काफ़ी हौसला अफजाई करी मेरी, क्योंकि जब मैं उनसे डिस्कशन कर रही थी तो वो भी मुझसे यही कह रहे थे कि मतलब आपकी आप इस चीज़ पे ज़्यादा वर्किंग कर रही हैं, आप इस पे मतलब मुझसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रही हैं, तो क्या ये आइडिया आपका ही है? तो जब उनको पता चलता कि हाँ ये मेरा ही है, तो उस पर उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया था। उनके साथ फिर वो शरिया साहब होते हैं, उन्होंने भी मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया था आरिफ साहब ने, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा रहा यहाँ तक का आने का सफ़र। उन्होंने भी मेरा बहुत आसानी से बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया मेरे साथ। अच्छा, मतलब टीम बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, ये आप लोगों ने यहाँ के बारे में क्या सोचा है कि क्या क्या, आज तो इनॉग्रेशन है तो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, डिलीवरी की, काउंटर फिलिंग की, और SOPs को फॉलो करेंगे? ये सारी चीज़ें SOPs फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे हम, मास्क वगैरह भी मेरे जो वर्कर्स हैं वो हमेशा मास्क पहन के रखते हैं, जब भी फिलिंग होती है वो मास्क पहन के रखते हैं, और जो हम इवन जो कैप्स हम यूज़ करते हैं बॉटल्स पे, बॉटल्स को भी वॉश करते हैं और कैप्स को भी हम वॉश करके यूज़ करते हैं, ऐसे ही नहीं लगाते। हमने ये सिलसिला शुरू किया तो बेशतर आरोप्रांत ने ऐसे भी लगाए जहाँ पर लोगों को मुफ्त में पानी फराहम किया गया और किया जा रहा है, वाटर शॉप्स के साथ साथ, क्योंकि एक ब्रांड भी है बड़ा, और लोगों तक जब इसकी बाजगश पहुंची तो बेशतर NGOs ने हमसे रब्ता किया। इस वक्त जो हमसे NGOs कनेक्टेड हैं उनमें शाहीन पाकिस्तान, हेल्पिंग हैंड, सिलानी वेलफेयर और टेक फाउंडेशन, तो इन जैसी NGOs हमारे साथ इस वक्त मिलकर काम कर रही हैं। हम उन इलाकों में जहाँ पर कराची में अभी हालिया दिनों में जो बारिश ने जो तूफान पैदा किया, जो सैलाब की सूरत हाल ने पैदा हो चली थी, अब भी कुछ इलाकों में पानी खड़ा हुआ, तो हमने अब जो आरोप्रांत डिज़ाइन किए हैं उन इलाकों में और अंदरून सिंध के उन इलाकों में जहां पर के लोगों तक के जो सैलाब का पानी खड़ा हुआ, पीने के पानी से महरूम है, समंदर से प्यासे को शिमला मिलने जैसी बात है, तो वहां पर मोबाइल आरोप्रांत तैयार किए और वो मोबाइल आरोप्रांत वहां पे जाकर लोगों को पानी फराहम कर रहे हैं। अच्छा, हमने बड़ा सुना है लोगों से, लोग हमें ये व्यू देते हैं जिस भी हम आउटलेट्स पे जाते हैं कि आप लोगों की तरफ से उनको बड़ा अच्छी से ब्रीफिंग मिलती है जब आप लोग के आउटलेट पे आते हैं। इन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छे से ब्रीफिंग देते हैं आप लोग, तो ये अगर बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बताएं कि वो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? देखिए, इसमें तरीकेकार ये है कि जो भी हमारे पास आते हैं हम उन्हें पहले कहते हैं कि हमारी जो आउटलेट्स खुली हुई हैं, जो फ्रेंचाइज arubrand.bk की खुली हुई हैं, आप पहले वहाँ विजिट कीजिए, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछिए, उनसे उनका जो है वो शेयर करते हैं कि बिज़नेस कैसे चल रहा है। हमारी तो कोशिश होती है कि हम प्रॉपर तरीके से गाइड करें उस बिज़नेस के हवाले से, उनको पूरा फीडबैक दें कि इसमें कहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कहाँ माइनस हैं। लेकिन ये है कि अगर वो जो बिज़नेस कर रहे हैं अगर वहाँ जाते हैं
तो बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिलता है और लोग अपना वो शेयर करते हैं एक्सपीरियंस। तो मैं ये गाइड करूंगा कि जितने भी लोग आना चाहते हैं इस बिज़नेस में, बिल्कुल आइए। और सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसमें बेशुमार वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को देखिए। वीडियोज़ को देखने के बाद काफ़ी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। उसके बाद फिर आप हमसे रब्ता कीजिए, हमारे ऑफिस तशरीफ लाइए, एक प्रेजेंटेशन होती है वो हमसे लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। जी नाज़रीन, तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको मेरा स्ट्रीट टाइम शो आज भी पसंद आया होगा और आज भी आप लोगों ने अपनी होस्ट मायरा बलोच के साथ बहुत इंजॉय किया होगा। आज हम आपको लेकर आए थे aruplan.pk की जौहर की फ्रेंचाइज के ऊपर और यहाँ पर हम लोगों ने आपको बहुत सारी नॉलेज दी, आपको बताया कि यहाँ पे आज इनॉग्रेशन हो रही है, यहाँ पे एक लेडी इसको रन कर रही है अपने भाई के साथ, अपनी फैमिली के साथ, इनकी मदर यहाँ पे होती हैं जो इनको सुपरविजन करती हैं, इनकी यहाँ पे छोटी बहन भी होती है, इनकी यहाँ पर दादी आपने देखा कि कितनी खुशी से रिबन कटिंग कर रही थी, उनके चेहरे पर कितनी रौनक थी, कितनी खुशी थी, तमाम लोग यहाँ पर कितने खुश थे। एक ख्वाब जो आप इतने टाइम से देख रहे होते हैं और जब वो पूरा होता है तो सामने क्या खुशी होती है, ये आप समझ ही सकते हैं, ये वो लोग समझ ही सकते हैं जो ये ख्वाब देखते हैं। aruplan.pk आप जानते हैं कि 750+ ब्रांचेज ओपन कर चुका है, अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं इस बिज़नेस का, aruplan.pk की वेबसाइट पर जाइए, तमाम सवालों के जवाब वहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ आप उनका ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आपने देखा aruplan.pk के ऑफिस की तरफ से यहाँ तमाम टीम मौजूद थी, हर इनॉग्रेशन पे वो हमारे साथ होती है, हमें तमाम सवालों के जवाब देती है, इनको कॉपरेट करती है। जैसे कि यहाँ की ऑनर ने बताया, यहाँ की दोनों बहन भाई जो भी माहम और साथ जो हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमसे गपशप लगाई, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी हमें नॉलेज दी, उन्होंने बताया कि उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई। तो अगर आप भी उन लड़कियों में शामिल होना चाहती हैं, aruplan.pk का बिजनेस करना चाहती हैं, तो मैं आपको तरीकेकार बता चुकी हूँ। aruplan.pk की वेबसाइट पर जाइए, उनकी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखिए, उनके ऑफिस में जाएँ। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको मेरा शो अभी भी पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, कराची के किसी कोने के ऊपर आपको लेकर जाएंगे और फिर एंजॉय कराएंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट मायरा बलोच को, स्ट्रीट टाइम्स को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।